صلاة محمد
दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हम सभी इबादतों को, जिक्र अहले बैत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे, और जिस ज़िंदगी के मकसद की वजह से ये मजालिस रखी जाती हैं उन मकासद में हम सब को कामयाबियाँ नसीब फरमा दे। कुरान मजीद की बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत के बकीयतुल्लाह खैरुन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, ऐ मुसलमानों, ऐ अहले बैत के चाहने वालों, एक ऐसा वजूद है जिसे खुदा ने आज तक बाकी रखा। ये वजूद तुम्हारी ज़िंदगी में बायस खैर है, बायस बरकत है अगर तुम मोमिन बन जाए। सवाल हुआ ये किसका वजूद है, तो तमाम तर उलमा ने फरमाया ये किसी और का वजूद नहीं, ये हमारे बारहवें सरकार इमाम ज़माना का वजूद है। ऐ मोमिन, ये वजूद आज तक बाकी है, इसका साया तेरे सरों पर आज तक बाकी है। ये वजूद तुम्हारी ज़िंदगी में खैर लाएगा, ये वजूद तुम्हारी ज़िंदगी में बरकत लाएगा, या ये कहूँ ये वजूद तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून लाएगा। फरमाया जिसने भी इस वजूद को मान लिया, ये अल्लाह का वादा है कि हम उसकी ज़िंदगी में खैर भी देंगे, हम उसकी ज़िंदगी में बरकत भी देंगे, हम उसकी ज़िंदगी में सुकून भी देंगे। मैंने पढ़ लिया, आपने वाह वाह कर लिया, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करूंगा, क्या हमारी ज़िंदगी सुकून है? क्या हमारी ज़िंदगी में वो बरकतें हैं? क्या हमारी ज़िंदगी में वो खैर है? अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, जबकि कुरान कहता है जिसने मान लिया उसकी ज़िंदगी में तो खैर होगा, उसकी ज़िंदगी में तो बरकत होगी। फिर ये मोमिन बारहवें सरकार को मान भी रहा है, कोई मजलिस नहीं जिसकी इब्तदा अपने मौला के नाम से न करे, कोई दुआ और नमाज नहीं जिसकी इंतहा इमाम के सलाम से न करे। तो जब शिया बारहवीं सरकार को मानता भी है, ईमान भी रखता है, फिर इसकी ज़िंदगी में वो सुकून क्यों नहीं है? फिर इसकी ज़िंदगी में वो बरकत क्यों नहीं है? ऐसा सुकून जैसा करबला में सैयदा ज़ैनब को मिला, ऐसा सुकून जो नोक नैज़ा पे हुसैन इब्न अली को मिला, ऐसा सुकून जो जंजीरों में सैयद सज्जाद को मिला, कि फिर भी चेहरे पर इत्मीनान है और कहते थे रिजन रिदा, अरे खुदा तेरी रिदा पे ज़ैनब राजी है, तेरी रिदा पे सैयद साजदीन राजी है। अरे ये कैसा सुकून है जिसने हथकड़ियों को भुलवा दिया, ये कैसा सुकून है जिसने गर्दन के कटने के दर्द को भुलवा दिया, फिर भी हुसैन के चेहरे पर इत्मीनान है। लेकिन यहाँ पर मोमिन थोड़ा सा बीमार होता है, शिकवा करता है, मैं अली वाला, मैं बीमार क्यों हूँ? मैं अली वाला, मेरे पास औलाद क्यों नहीं? मैं अली वाला, मेरे पास दौलत क्यों नहीं? मैं अली वाला, अल्लाह ने ये मुझे क्यों नहीं दिया? तो सवाल यह है, जब कुरान ने वादा कर लिया जो भी इस वजूद को मानेगा उसकी ज़िंदगी में सुकून होगा, उसकी ज़िंदगी में रिदायत होगी, उसके चेहरे पर इत्मीनान होगा, ऐसा इत्मीनान अगर चटाई पर भी सोए तो इत्मीनान है, अगर बिस्तर पर भी सोए तो इत्मीनान है। जिस्म बीमार है फिर भी मुतमइन है, जिस्म ठीक है फिर भी मुतमइन है, ये सुकून कैसे मिलेगा? कुरान ने शर्त बयान कर दी, फरमाया हाँ तुमने जबानों से बारहवीं सरकार को मान लिया, तुमने जबानों से बारहवें इमाम को मान लिया, तुम जबान से अलजल तो कहते हो, लेकिन ऐ मोमिन जब तक ये शर्त पूरी न करो तुम्हारी जिंदगी में वो सुकून नहीं आ सकता। मौला वो शर्त क्या है आवा भाई? इन कुंतुम मुमिनीन, जब तक तुम्हारी दिलों में ईमान दाखिल नहीं हो जाता। यही तो जंग है शियों की दूसरे मुसलमानों से, उस जंग में हम खुद ही उलझ पड़े। हम कहते हैं असलमना कहना और है, आमन्ना कहना और है, इस्लाम लाना और है, ईमान लाना और है। इस्लाम लाने का मतलब क्या है कि शिया घर में पैदा हुआ, इसको अली की विलायत मिली, ये तो किस्मत थी कि तुझे अली की विलायत मिली। लेकिन सवाल यह है, तुमने अली की विलायत को समझा के नहीं, मजलिस हुसैन में आए, काला लिबास पहना, शिया घर में पैदा हुआ, इसना अशरी शिया बना,
लेकिन सवाल यह है कि यही जवान जब रोड पे चलता है और किसी गैर अली वाले को या अली मदद कहता है और गैर अली वाला ये कहे कि तुमने या अली मदद क्यों कहा, जवाब ये मिले कि अब्बा ने सिखाया है। जवाब ये मिले कि अम्मी ने सिखाया है। ये जवाब है उस शिया का जो पैदाइशी शिया है। फरमाया अगर दिल में सुकून चाहते हो तो तुझे ईमान की मंजिल पे आना होगा। ईमान की मंजिल यह है कि जो अकीदा रखते हो उस अकीदे का दिफा करना भी जानो। सिर्फ अकीदा रखना काफी नहीं है कि मैं अली का मानने वाला हूँ। अली के मानने वाले हो तो अली की खिलाफत को साबित करना भी सीखो। या अली मदद कहने वाले हो तो या अली मदद कहने को साबित करना भी सीखो। फिर कयामत में तुम और उसमें फर्क क्या हो, उसे कहा जाएगा तुमने अल्लाह को नहीं माना था, वो भी कहेगा हाँ खुदा उस घर में पैदा हुआ था जहां पर बुतों को सजदा किया जाता था। और उससे कहा जाएगा तुमने अली को क्यों माना था, ये भी कहेगा परवरदिगार उस घर में पैदा हुआ था जहां अली को माना जाता था। तो अल्लाह की बात आएगी अली को मानना आए तो अक्ल से मान, क्योंकि अली इमाम अक्ल है, इमाम नकल नहीं है। ये नहीं कि तुझे दीन सिर्फ मुफ्ती से लेना है, मौलवी से लेना है, दीन अपनी अकल से लेना है। अकल कहती है अली से बेहतर इमाम था ही नहीं तो मैं किसी और को कैसे मानता। इल्म के मैदान में जाओ तो सलूनी का दावा करते हुए अली नजर आते हैं। शुजात के मैदान में जाओ तो टूटी हुई तलवार से नबी का दिफा करते हुए अली नजर आते हैं। मौत का खौफ अगर किसी के वजूद में नजर नहीं आता तो शबे हिजरत नबी के बिस्तर पे सोते हुए अली नजर आते हैं। मैं कैसे किसी ऐसे को इमाम मानूं जो रोता हुआ नजर आए, जो मैदानों से भागता हुआ नजर आए। तो ये अकल का तकाजा था कि अली को इमाम माना जाए। लेकिन बहस है मेरे बारहवीं सरकार पर कि तुमने इमाम को मान लिया। फरमाइए वजूद तब तक तुम्हें बरकत नहीं देगा जब तक इस वजूद का ईमान तेरे दिल में चला नहीं जाता। किसी ने कहा मौलाना ईमान का मतलब क्या, मैंने कहा ईमान का मतलब ये कि अपने इमाम का दिफा कर, इमाम जमाना का सिपाही बन। एक सिपाही वो है जो इमाम के बदन का दिफा करता है, एक सिपाही वो है जो इमाम की फिक्र का दिफा करता है। तुझे फिक्र इमाम जमाना का दिफा करना है। अगर आज कोई मुसलमान तुमसे ये पूछ ले कैशियो तुम्हारा अकीदा क्या है, अकीदा यह है कि बारहवें सरकार मौजूद हैं, पर्दे गैब में हैं, हजार साल से ज्यादा मौजूद हैं, हमें देख रहे हैं, हमारा अकीदा है, हमारी मजलिसों में आते हैं, हमारी आवाजों को सुनते हैं, तो आप पर एतराज कर दे भाई ये कैसे मुमकिन है, हजार साल से ज्यादा हो गया, मेरी उम्र 60-70 साल, बहुत ज्यादा 80 साल, बहुत ज्यादा 90 साल, और तेरा अकीदा ये है कि तेरा इमाम हजार साल से जिंदा है, तो आपके बच्चे को पता तो होना चाहिए जो काली कमीज पहनता है कम अज कम अपने मौला का दिफा करना तो जाने। अरे तलवार उठा नहीं सकता तो मुंह की तलवार तो इसके मुंह में मौजूद है। दुश्मन को अपने कलाम से तो शिकस्त दे सकता है, दुश्मन को अपनी दलील से शिकस्त तो दे सकता है। अगर लंबी लंबी दलीलें बच्चों को याद नहीं करवा सकते, छोटी छोटी बातें याद करवा लो। ये मकतब मकतब हलवायत है और इस मकतब में दलील है कि मौला अली फरमाते नहनो अपना उत्तलील, हमारे मानने वाले जब भी कलाम करते हैं दलील से कलाम करते हैं। आसान सी दलील है, हर मुसलमान को दे सकते हो। लंबी चौड़ी आयतें याद करने की जरूरत नहीं है। एतराज क्या है, कैसे मुमकिन है कोई हजार साल से जिंदा हो। इस मुसलमान को कहिए मुसलमान तू कुरान के पढ़ने से पहले क्या पढ़ता है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह के पहले क्या पढ़ता है, औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईन रजीम, अय खुदा मुझे किसके शर से बचा, शैतान के शर से बचा। इससे ये पूछिए ये मलून कब से जिंदा है, इसका वजूद कब से है, कभी आदम नहीं बना था क्या, तब से है क्या, अजीब मुसलमान हो जब खुदा गुमराह करने वाले को इतनी जिंदगी दे सकता है तो क्या हिदायत देने वाले को इतनी जिंदगी नहीं दे सकता। ये मुल्ला उस पर तो ईमान रखता है, तो
जिसने तुम्हारी हिदायत का बंदोबस्त लिया। लेकिन देखिए दुश्मन भी तो बड़ा तेज है ना, क्योंकि अली के मुकाबले में और अली वालों के मुकाबले में जो भी आए वो थे मक्कार, और मक्र इंसान से बड़ा काम करता। उसने कहा देखो मौलाना साहब, आप भी इमाम को मानते हो, हम भी मानते हैं। मैंने कहा आप भी मानते हो, क्या फर्क ये, आप कहते हैं पैदा हो चुका, हम कहते हैं पैदा होगा। हमारा अकीदा है कि इमाम ज़माना पैदा हो चुके, पर्दे गैब में ज़हूर करेंगे। वो कहते हैं मौलाना हमारा अकीदा पैदा होंगे। देखो दोनों की सिचुएशन है एक तरह, मिल तुम भी अभी नहीं सकते, मसला तुम भी अभी पूछ नहीं सकते, मुलाकात तुम भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते, दोनों एक जैसे हुए। तुम कहते हो ज़हूर के बाद मिलेंगे, हम कहते हैं पैदाइश के बाद मिलेंगे। तो फिर ये जिद कैसी के वो जिंदा है? ऐसा इमाम जो जिंदा भी हो उससे कोई फायदा ना हो, ऐसा इमाम जो जिंदा भी हो उससे हिदायत ले ना सको, ऐसा इमाम जो जिंदा भी हो शियों में इतने इख्तलाफात हैं हल ना करा सको, फिर ऐसे इमाम पर जिद कैसी के वो जिंदा है? आओ दोनों एक ही अकीदे पे आते हैं कि पैदा होगा तब जाके मिलेंगे। अब अगर कोई आम सा शिया होगा वो क्या जवाब देगा? फंस जाएगा ना। लेकिन अगर वो दरे अली पे जाए, अली वाली अकल ले, तो दुश्मन को ऐसे ही शिकस्त दे सकता है जैसे अली इब्न अबी तालिब ने दी थी। कहा भाई ये बात सच है, आपका अकीदा है पैदा होगा, हमारा अकीदा है पर्दे गायब में है। लेकिन ये कहना कि पर्दे गायब में रहते हुए तुम्हें कोई फायदा नहीं दे रहा, तुम हिदायत ले नहीं सकते, तुम मिल नहीं सकते, इसका जवाब भी बड़ा सिंपल सा है। उसे को ये बताओ मौलवी साहब, जब कभी आप गुमराह हुए और हमने कहा कि किसने गुमराह किया, तो कहने लगे कि मौलाना शैतान ने गुमराह कर दिया। अच्छा मौलवी साहब आप गुमराह हुए, आपने शियों को काफिर काफिर कहा, किसने आपको कहा कि शियों को काफिर कहो? क्या मौलाना शैतान ने गुमराह किया। अच्छा शैतान ने कान में कहा था शियों को काफिर कहो? क्या शैतान उंगली से पकड़ के ले गया था मुसलमानों में तफरका फैलाओ? क्या नहीं मौलाना लेकर नहीं गया था? क्या तुम्हें कहा भी नहीं, उंगली से पकड़ के लेकर भी नहीं गया? फिर बता ये गुमराह कैसे करता है जो नजर भी नहीं आता, जो जबान से कहता भी नहीं है, जो उंगली से पकड़ के लेकर भी नहीं जाता, फिर भी तुम बार बार यही कहते हो खुदा उसके शर से बचा, खुदा उसके शर से बचा। मौलाना शैतान ने गुमराह कर दिया, मेरे बाप को शैतान ने गुमराह किया, मेरे भाई को शैतान ने गुमराह किया। कहा ये नजर भी नहीं आता, फिर ये तुझे गुमराह करता कैसे है? तो मौलाना मसला ये कुरान की आवाज आती है, ये मलून गायब में रहके हमारे सीनों में वसवसा करता है। अरे जब गुमराह करने वाला गायब में रह के गुमराह कर सकता है, तो क्या हिदायत देने वाला गायब में रह के हमारी हिदायत नहीं कर सकता? हिदायत के लिए इमाम का दिखना, हिदायत के लिए उसका दिखना जरूरी नहीं है। वो इमाम गैब में रह के हमारे सीनों में हिदायत कर सकता है, और इसके लिए इमाम का फरमान कि आए मेरे चाहने वाले, जब तू गुनाह का इरादा करे और तेरे कदम गुनाह की तरफ बढ़ते जाएं, आधे रास्ते में अगर तू अपने इरादे को बदल लेता और उस गुनाह से पलट के वापस आता, ये मत समझना तेरा इरादा था, ये तेरे इमाम की फिक्र थी। फरमाए जब भी तू कोई खैर का काम करता है, अच्छाई का काम करता है, इमाम ज़माना फरमाते हैं ये ख्याल मैंने तेरे जहन में डाला था, जब भी तू बुराई की तरफ जाता है वो ख्याल शैतान का ख्याल था, ये मत समझना जो रहमतें जो बरकतें तेरी जिंदगी में हैं। फरमा अगर हम ना होते ये दुश्मन तुझे कच्चा चबा जाता, ये दिन ब दिन तुम्हारी तादाद में इजाफा हो रहा है, दिन ब दिन हुसैन के जिक्र में रौनक है। सद्दाम ने सोचा था मैं हुसैन की करबला को बंद कर दूंगा, आज दुनिया जाकर देखिए अरबईन का माहौल क्या है। कब वो तो यजीद ने सोचा था एक सहरा में हुसैन को शहीद कर दूंगा, दुनिया को क्या पता है कि जंगल है, कोई आए थे बागी और उनको कत्ल कर दूंगा। लेकिन खुदा ने कहा यजीद ये तेरा नक्शा है, एक नक्शा मैं बनाता हूँ,
और वल्लाहु खैरुल माकिरीन है, और मेरे नक्शों का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। तुमने जिस जमीन को हुसैन के लिए जंगल बनाया था, मैं उसी जमीन को मोमिनों के लिए जन्नत बना दूंगा। आज वही जमीन जन्नत है, एक मुल्क नहीं 250 ममालिक के लोग वहां जाते हैं। मेरे पास वक्त कम है, मैं सिर्फ इशारे करते हुए आगे बढ़ूंगा। अजीजो, कभी आपने सोचा ये अरबईन, ये हुसैनी जुलूस, ये नजफ से करबला पैदल जाना, ये किसी मौजजे से कम नहीं है? कभी आपने देखा कि जब आप अरबईन पे पैदल चलते हैं आपका मिजाज बदल जाता है? वो बंदा जो पाकिस्तान में जमा करना चाहता है, अरबईन में बस लुटाना चाहता है। दुनिया का नजरिया है, अगर जिंदगी बनानी है तो जमा करो। दुनिया का नजरिया है कि अपनी जिंदगी में सुकून ला। दुनिया का नजरिया है कि बेहतरीन बिस्तर, बेहतरीन लिबास, ज्यादा से ज्यादा पैसा, बेहतरीन सवारी। लेकिन जब करबला जाते हो तो जिंदगी पलट जाती है। वहां न बिस्तर की परवाह है, न गर्मी की परवाह है, न पांवों के जख्मों की परवाह है। अरे जो इंसान अपने लिए जमा करता है, करबला में बच्चे रास्ते पे खड़े हो जाते हैं। जितना खाना है खा ले, मेरे घर में सोना है सो ले, अपने कपड़े दे, मैं फ्री में तुझे धो कर दूंगा। तो करबला में एक जज्बा मिलता है, जिस जज्बे का नाम है ईसार, कुर्बानी, लुटाना, देना, वजूद को मिटाना। यही तो वो नजरिया है जिस पर हुसैन करबला गए थे। क्या होता है इस मोमिन को जब करबला जाता है? करबला और अरबईन में कड़ी है इमाम जमाना के जहूर की, कि देख जब तेरा मौला आएगा तो सिर्फ करबला में नहीं पूरी दुनिया में ये माहौल होगा। मोमिन अपने घर के दरवाजों को गरीब के लिए खोल देगा जिस तरह करबला में खोल देता है। दुनिया प्यासों के लिए पानी की सबीलें लगा देगी जिस तरह करबला में लगती हैं। जिस तरह करबला में कोई भूखा रात को भूख से सोता नहीं अरबईन पे, मोमिन कहता और कितना खाऊं? नहीं, एक लुकमा खा ले ताकि मेरे हुसैन की न्याज कबूल हो जाए। जब तेरे मौला का जहूर होगा, कायनात में ऐसी हुकूमत होगी, लोग अपने घरों के दरवाजों को खोल देंगे, कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई प्यासा नहीं सोएगा, क्योंकि ये उसकी हुकूमत है जो अली का बेटा है। इमाम फरमाते ये मुमकिन नहीं कि अली की हुकूमत में रात को कोई भूखा सो जाए। वो हुकूमत कैसी जिस हुकूमत में भूखा सो जाए? फरमाया वो अली की हुकूमत नहीं। तो ऐ मोमिन, तुझे उस हुकूमत का इंतजार करना है, तुझे उस खुशखबरी के दिन का इंतजार करना है जब तेरे मौला आएंगे, आलम को लहराएंगे। लेकिन दो जुमले और मुसीबत इमाम, लेकिन उस मौला को लश्कर की जरूरत है। ये दुआ करना कि मुझे उसके लश्कर में शामिल करो, ये दुआ गलत है। ये दुआ न किया करो, ये दुआ करो कि मौला का लश्कर मौजूद है, मुझे उस लश्कर का सिपाही अभी बना। इमाम आएंगे, कोई लश्कर आसमान से लेकर नहीं आएंगे। ऐ मोमिन, आप ही में से लश्कर बनेंगे। इमाम कोई लश्कर बनाएंगे नहीं, ये मजलिस में जो मोमिनीन हैं, ये मौला का लश्कर है। तू मानता क्यों नहीं तू मौला का लश्कर है? तो उस लश्कर में क्या तेरे मौला को किसी अब्बास की जरूरत नहीं? क्या उस लश्कर में मौला को किसी जैनब की जरूरत नहीं? क्या उस लश्कर में इमाम को किसी अली अकबर की जरूरत नहीं? क्या उस लश्कर में मौला को किसी हबीब इब्ने मबाहिर की जरूरत नहीं? अरे हुसैन की करबला बगैर हबीब के करबला नहीं है, हुसैन की करबला बगैर जुहैर के करबला नहीं है, हुसैन की करबला बगैर सैयदा जैनब के करबला नहीं है। तो आज भी तेरे मौला को किसी जैनब की जरूरत है, तो तू अपने मौला का बास बन क्यों नहीं जाता? तो अपने मौला का अली अकबर बन क्यों नहीं जाता? इमाम फरमाते मुझे अकबर की जरूरत है, मुझे अब्बास की जरूरत है। सिर्फ अब्बास का नाम लिया न करो, अब्बास का अदब अपने वजूद में पैदा किया करो। इमाम किसी मोमिन के ख्वाब में आते ना, फरमाते हैं मोमिन जब वापस अपने गांव जाओ, उस बूढ़े को सलाम करना जो आजादारों की जूतियां बनाता है। हुसैन के नजदीक अदब की बड़ी अहमियत है। फरमाते बा अदब बन, जब तेरा अकीदा है कि तेरा मौला तुझे देख रहा है,
ऐ मोमिन उस इमाम के सामने कभी बेअदबी न किया कर, बेअदाब महरूम अज लुत्फ रब। फरमाया तू एक कदम बढ़ा, अहले बैत फरमाते हम 10 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ा कर आगे आते हैं। एक बहुत गुनहगार शख्स था अज़ीज़ाने मोहतरम, शहर का बदतरीन गुनहगार, बदतरीन शराबी थी। मौलाना साहब कहते हैं कि मैं मुहर्रम की पहली मजलिस पढ़कर अपने गांव की तरफ रवा दवा थी। इसका नाम था अली गंदाब, गंदाब गांव था वहां का रहने वाला, लेकिन अपने गांव का मशहूर शराबी थे। मौलाना साहब जैसे वापस आए, रास्ते में इस शराबी को खड़ा होता हुआ देखा, नशे की हालत में खड़ा था। कहो मौलवी साहब कहाँ से आ रहे हो? इन्होंने कहा मैं हुसैन की मजलिस पढ़ के वापस आ रहा हूँ। कहा अच्छा मुहर्रम हो चुका? कहा हो चुका। कहा मौलवी साहब मजलिस में क्या पढ़ते हो? इसने कहा हुसैन के फजाइल फरामीन मसाइल। कहा मुझे भी तो सुना, मैं भी तो सुनूं हुसैन की मजलिस कैसे होती है। मौलाना साहब कहते हैं मैं डर गया, बदमाश है शराबी है, कहीं ऐसा ना हो लड़ न दे, चाकू निकाल के जख्मी न कर दे, बदमाश आदमी था। मैंने बहाना बनाया, मैंने कहा देखो मजलिस ऐसे नहीं होती, मजलिस के लिए मिंबर हो, मजमा हो, कुर्सी हो, कहीं बैठ के फजीलत के साथ हुसैन का जिक्र किया जाए। तो देखिए अदब कभी कभी इंसान को बड़े बड़े मकाम अता कर देता है। इसने कहा मौलाना साहब अगर मिंबर नहीं तो क्या हुआ? इसने दीवार के साथ तकिया लगाया, जिस तरह आप रुकू में जाते हैं इस तरह रुकू में गया, और उसने कहा मेरी कमर आपके लिए मेंबर है, बैठ जाइए और मुझे सुनाइए चंद जुमले कि तुम पढ़ते क्या हो मेंबर पर। मौलाना साहब कहते मजबूर हो गया। मैंने कहा अगर बैठता नहीं तो ये लड़ता है नशे की हालत में, क्या करूं? कहा मैं उसकी पीठ पे बैठ गया। बैठने के बाद मैंने चंद हदीसें मौला की फजीलत में पढ़ी, फिर मैंने सोचा कि मसाइब क्या पढ़ूं। अचानक मेरे जहन में आया कि अली असगर के 2 जुमले पढ़ो। तो मैंने कहा कि मेरा हुसैन बड़ा मजलूम था, बेटा था अकबर, उसको भी शहीद कर दिया, भतीजे थे उन्होंने मोहम्मद, वो भी शहीद हो गए, अब्बास जैसा भाई था जालिमों ने उसके बाजू भी काट दिए, हुसैन का 6 महीने का बच्चा था, पानी पिलाने के लिए गए जालिमों ने उस बच्चे के गले में भी तीर लगा दिया। का इतना कहना था, मैं अली गंदाब की कमर पे बैठा था, उसकी कमर लरजने लगी, उसके वजूद में कपकपा हड़ताली हो गई। एक मर्तबा का मौलाना जल्दी उतरो, और रोते रोते मुझे कहा कि मौलाना इतने जालिम थे, जब बेटा मार दिया, जब भाई मार दिया, 6 महीने के बच्चे पर भी रहम नहीं किया, का इतना मजलूम था मेरा हुसैन। मौलाना साहब ने कहा इतने मजलूम थे हमारे आका हुसैन। का ये कहते हुए रोता हुआ जबान पर हुसैन हुसैन करता हुआ अपने घर की तरफ चला गया। मौलाना कहते चंद दिनों के बाद में गांव में उठा, लोगों में बैठा, मैंने कहा वो अली गंदाब कहाँ है? का मौलाना पता नहीं। घर वाले कहते सामान उठाकर कई दिनों से गांव से चला गया। देखिए ये मजलिस इंसान को हुर कैसे बनाती है। 70 साल से कोई मुसीबत असगर सुने लेकिन इंसान न बने, इसका मतलब ये मुसीबत इसे कुछ नहीं दे रही। ऐ जवान तो अली अकबर के मसाइब सुने पर अकबर की सीरत ना आए, ये मुसीबतें हुर बनाने के लिए है, सिर्फ रोने के लिए नहीं है। कहता 3-4 साल के बाद, कई सालों के बाद मैं नजफ गया। नजफ में जैसे हरम अली में हवाए सुहानी बहुत पुराने मुश्तहिद के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ने लगा, तो मैंने नमाज की पहली सफ में अली गंदाब को नमाज पढ़ते हुए देखा। मैंने आवा इस्वानी के पास गया, मैंने कहा मौलाना आप इसको जानते हैं, ये कौन है? कहा जब से ये बंदा नजफ आया है इससे बड़ा कोई नमाजी नहीं है। रात के 2 बजे अली के हरम आता है, 1 बजे मस्जिद कूफा जाता है। कहा लोगों ने इसको चीखते हुए रोते हुए देखा है, रो रो कर 2-2 घंटे रोता है, सजदे में जाकर कहता है परवरदिगारा अगर तुमने अली गंदाब का ये गुनाह माफ कर दिया तो दूसरे गुनाह का वो क्या करेगा, अगर तुमने दूसरा गुनाह माफ कर दिया वो अपने तीसरे गुनाह की तौबा कैसे मांगे। का सबसे पहले मस्जिद में आता है, नमाजियों में सबसे आखिर में यही अली गंदाब है। का मौलाना जानते हैं
ये शहर का मशहूर शराबी था, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन यहाँ लोग इसको साज सजदा करने वालों में से जानते हैं, इबादत करने वालों में से जानते हैं। ये अली गंदाब का किरदार है। एक मर्तबा रात की नमाज पढ़ी, जमात खत्म हुई, एक तालिब इल्म दौड़ता हुआ आया, किबला साहब वो जो फला मुश्तहिद है उसके ऊपर सकरात का वक्त है, डॉक्टर कहते हैं आज रात वो मर जाएगा, उसके लिए कब्र का बंदोबस्त करना है। आगा इस्फहानी ने उसी रात मौला अली के दरवाजे जहां से आप दाखिल होते हैं दरवाजे पर एक कब्र खुदवाई, कहा मुश्तहिद है, आयतुल्ला है, आलिम है, यहाँ कब्र खोदो, का कब्र खोद ली, का सुबह खबर देना तबीयत कैसी है, 99% चांसेस ये थे वो मर जाएगा, का गुस्ल कफन देने के बाद यहाँ दफन करेंगे, का सुबह की अजान हुई, आयतुल्ला ने खबर पहुँचवाई, बताओ फला आयतुल्ला का क्या हुआ, का मौलाना अल्लाह ने खैर किया वो बच गए। आगा इस्फहानी कहते अब कब्र का क्या करें, खुद भी चुकी है तैयार भी है। इतने में एक नमाजी तोड़ता हुआ आया, मौलाना काफ़ी देर हो गई, अली गंदाब सजदे से सर नहीं उठा रहा, बड़ी देर हो गई, अली गंदाब सजदे से सर नहीं उठा रहा, दौड़े दौड़े गए उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन रूह तो कब की परवाज कर चुकी थी, का मौलाना क्या करे, का जल्दी गुस्लो कफन दो, कब्र तो पहले से तैयार है, लगता है उस अली ने अपने अली के लिए कब्र खुदवाई है और कब्र का बंदोबस्त किया है। अजीजो अगर अली गंदाब बनोगे, अगर मुसीबत सुन के दिल में वो वलवला पैदा करोगे, जिस वलवले ने हुर को हुर बना दिया, इमाम जमाना फरमाते हैं आए मराशी नजफी में करबला के मसाइब पे इतना नहीं रोता जितना जब शबे कदर चाहने वालों के अमाल सामने आते हैं। तो फरमाते हैं कभी भी अपने अमल से अपने इमाम जमाना को न रुलाया कर। जब रसूल ने कहा था बेटी तुम्हारे हुसैन को करबला में प्यासा मारा जाएगा, तो बेटी ने बाप से सवाल किया था बाबा मेरे हुसैन पे रोएगा कौन, आपका वजूद दुआए रसूल से बना है, शिया का वजूद मौजजा है, रोने वालों का वजूद मौजजा है, फरमाया बेटी खुदा ने कौम बनाएगा, आपका वजूद वो कौम है, ऐसी कौम जिसके बच्चे तेरे हुसैन के बच्चों पे रोएंगे, जिसके जवान तेरे हुसैन के जवानों पे रोएंगे, जिनकी औरतें तेरे हुसैन के ज़ैनब व सकीना पे रोएंगी और जिनके बूढ़े तेरे हुसैन पे रोएंगे। तब जनाब सैयदान का बाबा मैं भी तब तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक मेरे हुसैन पर रोने वाला जन्नत में नहीं जाता। मैं जुर्रत करके एक जुमला आपको कहूंगा, आजादारों इस बीबी का पहलू टूटा हुआ है, इस बीबी की पसलियां टूटी हुई है, इस बीवी ने सफर बड़ा किया है, कभी मदीने से करबला जाती है, कभी करबला से कूफा जाती है, कभी कूफे से शाम जाती है। तो गुजारिश आज दस बजता यह है कि कयामत के दिन ज्यादा देर जहरा को खड़ा न रखना, ऐसा ना हो कि मुझ बदबख के अमल की वजह से जहरा को खड़ा होना पड़े, किरदार ऐसा बना के जाना कि बीवी को ज्यादा देर खड़ा होना न पड़े। वो बीबी जो कहती है एक हाथ में हुसैन का खून भरा कुर्ता लाऊंगी और दूसरे हाथ में अपने हसन के जिगर के टुकड़े लाऊंगी कि परवरदिगारा मुझे बता मैंने इस उम्मत का बिगाड़ा क्या था कि इन्होंने मेरे हुसैन के जनाजे को पामाल कर दिया। दिलों को करबला ले जाएं, सलाम करें अपने आका हुसैन को। इमाम सज्जाद फरमाते मुसलमान ज्यादा से ज्यादा मेरे बाबा को सलाम किया कर। का मौला क्यों फरमाए, क्योंकि करबला में लोगों ने मेरे बाबा को सलाम नहीं किया था। मौला क्यों सलाम नहीं किया था, का सलाम मुसलमान को किया जाता, मेरे बाबा को मुसलमान कहां समझा। ऐशियो ज्यादा से ज्यादा हुसैन को सलाम किया करो। दूसरा फरमान, जब भी ठंडा पानी पियो मेरी सकीना को याद किया करो, एक एक घूंट के लिए मेरी सकीना को तमाचे मारो। अस्सलाम अला हुसैन।
मजमा है, अगर किसी को सलाम नहीं आता हुसैन तो सबको आता है। आज हुसैन जब कहोगे तो कोई तुझे तमाचे नहीं मारेगा, आज हुसैन कहोगे कोई तुझे ताजियाने नहीं मारेगा, लेकिन जब सकीना हुसैन करती थी ना शिमर तमाचे मारते थे। हुसैन बुलंद आवाज से अस्सलाम अलैल हुसैन वाला अली बने हुसैन वाला औलाद बुलंद आवाज वाला अस्हाब। मेरा सलाम हो ज़ैनब की लुटी हुई चादर पे, ये सलाम सुनोगे तेरे मौला किस तरह मसाए पढ़ते हैं ज़ियारत नाहिया के जुमले। फरमाया मेरा सलाम हो उन जख्मी कलाइयों पे जिनमें रस्सियां बंधी थी, सुन के बर्दाश्त नहीं करता लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा। फरमाया मेरा सलाम हो उन खुश्क फटे हुए होठों पे जिन पे जालिम छड़ी मेरा सलाम हो उन नन्हे से रुखसारों पे जिन पे जालिम तमाचे मारा था। रोकर फरमाया मेरा सलाम हो करबला के उस शहीद पे, वो जिसकी गर्दन को पीछे से काट गया। मेरा सलाम हो मेरी पुत्री ज़ैनब पे, वो जिसने 70 कदमों से हुसैन का गला करते हुए देखा। मुझे नहीं मालूम मेरे इमाम जमाना भी कहाँ मौजूद, शायद करबला में रो रहे या शायद शाम में ज़ैनब के रोजे पे रो रहे, लेकिन मेरा दिल करता है आज की रात जन्नतुल बकी में मौजूद होंगे। टूटी हुई कब्र ज़हरा पे रो रहे होंगे, रो कर कह रहे होंगे अम्मा ज़हरा दुआ करो, माँ की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है। अम्मा ज़हरा दुआ करो मेरा ज़हूर हो, मैं उस ज़ालिम से बदला लूं वो जिसने आपकी बसलिया तोड़े। मज़हरा
दुआ करो मैं उस जालिम से बदला लूं, ओ जिसने ज़ैनब की चादर छीने। फरमाया आज़ादार तू पानी रोता है लेकिन तेरा इमाम ज़माना खून रोता है। मुझे नहीं मालूम किन किन बातों पे मेरे आका खून रोते हो लेकिन इतना पता है। फरमाया आज़ादार जब भी मेरे ज़हूर की दुआ करो खुदा को दो बीबियों का वास्ता दो। जब भी दुआ करो आंखों में आंसू मियां खुदा को मेरी पुप्पी ज़ैनब का वास्ता दिया करो। मियां खुदा को मेरी नन्ही सी सकीना ये दो वास्ते खुदा का ये रिवायत में बहुत कम पढ़ता हूँ लेकिन आज दिल कर रहा है ये रिवायत पढ़ूं क्योंकि मेरे चौथे इमाम फरमाते जाकिर पढ़ो पढ़ो ताकि हमारे शियों को पता तो चले हमारे ऊपर कैसे कैसे मसाइब आए। किसी ने कहा मौला कश्म की अपनी बच्ची नहीं थी कोई चार साल बच्ची को भी इतने तमाचे मारता है। इमाम ने फरमाया दुश्मनी सकीना से नहीं थी ये जालिम जानता था ज़ैनब सकीना से बड़ा प्यार करते जब ज़ैनब का दिल दुखाना था ये सकीना को तमाचे जब सजाद का दिल दुखाना था रिवायत सख्त है सादात मुझे माफ कर इमाम ज़माना मौजूद है मुझे माफ करिए। फरमाया 11 मुहर्रम का दिन था शिमर ने हुक्म दिया सब बीबियां दो दो के तीन तीनों के ऊंटों पे सवार हो। मलून की निगाह जब सकीना पे पड़ गई मलू ने हुक्म दिया सकीना को अकेला ऊंट पे बिठाया जाए। चार साल बच्ची है मासूमा बच्ची जब ऊंट पे बिठाया गया बच्ची ने रोना शुरू किया बिलपना शुरू किया रो कर कहने लगी भैया सजाद मुझे ऊंट से उतारो। इमाम सजाद फरमाते जब बच्ची ने रोना शुरू किया मलू ने हुक्म दिया बच्ची को ऊंट पे बांधा जाए। मेरे रिवायत के जुमले पर तो नहीं सकता लेकिन इशारा जरूर करूंगा। फरमाया मोमिन जैसे तू सामान बांधता है ऐसे सकीना को बांधा गया। यह ऊंट चलता था यह बच्ची का सीना ज्यादा तफसील में मैं नहीं जाऊं लेकिन इतना कहूं जब बच्ची को ऊंट से उतारा गया बच्ची का कुर्ता खून से रंगी था। ज़ैनब ने कहा आजा हुसैन की अमाना आजा मेरे सीने से लग जा। सज्जाद अब सकीना को अपनी गोद में बिठाऊंगी मैं सकीना को अकेला बैठने नहीं दूंगी। काफिला चलता रहा बच्ची को बड़ी प्यास लगी काफिला बाजार में आया धीमी सी आवाज में कहा पुप्पी अम्मा मुझे प्यास लगी है। ज़ैनब ने कहा सकीना चुप हो जा देने वाला कोई मौजूद नहीं है पत्थर मारने वाले बहुत है
अल्लाह किसी चाहने वाले को सकीना का ये मंजर न देखा। छत पे एक मोमिना बैठी थी, आवाज को सुन लिया, दौड़ती हुई गिलास में पानी भरा कर बीबी ज़ैनब को देती है। कहती है कैदी बीबी तेरी बच्ची प्यासी न रहेगी, मैं तेरी बच्ची को पानी पिलाऊंगी। या सकीना ने